चीरफाड़ एंट्री थी एकदम, है ना। हाँ, लेकिन अभी तोड़फोड़ बाकी है। अब जैसे कश्मीर ने बोला कि तोड़फोड़ होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि कुछ तोड़ता हुआ फोड़ता हुआ, वैसे भी दिल तोड़ने में तो इज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द सुप्रीमली टैलेंटेड एंड हैंडसम करण कुंद्रा। मेरी शक्ल देखो, इस मासूम चेहरे को देखो, मैं किसी का दिल तोड़ सकता हूँ? मैं सिर्फ शीशे वीशे घर वर गाड़ियां वाड़ियां तोड़ता हूँ। मेरा दिल तोड़ता है तू रोज सेट पे। सच हमारे सामने आ ही गया, बट आई थिंक इतने हंसी मजाक के बीच में मेरे दिमाग में ना अभी भी ये क्वेश्चन घूम रहा है कि ये किसने किया है। अच्छा, हमारे ऊपर ना बड़े इल्जाम लग रहे हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि ये जो हर जगह लगे हुए हैं हार्ट्स और उस पे किसी ने स्क्रैच किया, एक वीडियो देखी मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कुछ कैमकॉर्डर पे, वो क्या सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हुई है, कोई बोल रहा है कश्मीर कर रहा है, कोई बोल रहा है करण कर रहा है, किसी ने रीम का नाम लिया, कोई बोल रहा है नागिन कर लिया रात को जाके, ये सब हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, हमें शूट करवाते हैं, हम टीवी वाले हैं, हमें कलर्स टीवी ने हमें बांध दिया, बेड़ियां देखो बाहर, बिल्कुल हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते। एंड बाय द वे, वेलकम टू तेरेश में आयल सेट, कैसा लगा आप लोगों का हमारा सेट? थैंक यू सो मच। सबसे पहले जैसा कि मैम ने भी कहा, आप अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमारे लिए आए ऑल द वे टू फिल्म सिटी टू आर सेट, एंड आज मैम ऐसे लग रहा है कि सेट भरा भरा लग रहा है, कि सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ से आई। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। आई थिंक अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो खौफनाक ही हूँ इस शो में, मैं जब भी आ रहा हूँ या तो दान निकल रहे होते हैं मेरे, या चीज़ें तोड़ रहा होता हूँ, या मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा होता हूँ, सो आई थिंक कश्मीर इज अ बेटर पर्सन टू आस्क। नहीं, आई जस्ट फील कि जितना डिसरप्टिव इस शो का फॉर्मेट है हर तरीके से, तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी उतनी ही डिसरप्टिव होनी चाहिए। मैंने एक स्टोरी डाली थी यही हार्ट की कहीं पे, और कई सारे मेरे जो फिल्म मेकर दोस्त थे उन्होंने मुझे इंस्टा पे डीएम किया कि भाई हम लोग रोज जाते आते हार्ट देख रहे हैं, फिर उस पर पूर्णिमा की रात के बाद खरोच आई वो देख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। तो मैंने सोचा यही है प्रोडक्ट, यही आ रहा है, उसी की मार्केटिंग चल रही है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी न्यू इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रही है, और जितना डिसरप्टिव शो का फॉर्मेट है उतनी डिसरप्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए, और उस पर आई थिंक कलर्स की पूरी टीम खरी उतर रही है, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट। बिल्कुल, आई थिंक ये जो कलर्स की टीम है ना, इतने शाने हैं ये लोग, इन्होंने हमें भी नहीं बताया। तो एक दिन पैकअप के बाद मैं जा रहा था, दे रहा था, मैंने देखा ऐसे एक बार, मैंने कहा ये क्या, कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई किसी ने इतना महंगा बिलबोर्ड लगाया दिल लगाने के लिए, आजकल बड़े यार हो गए, वो बाद में पता चला हम लोग है वो। बट आई वुड लाइक टू से ऑन अ सीरियस नोट कि ये सिर्फ मुंबई में नहीं हो रहा है, हमने आगरा में हमारे जो फैंस हैं, हमारी जो फैमिली है उन्होंने भेजा, बनारस में ये लगे हुए हैं, लखनऊ में लगे हैं, भोपाल में लगे हुए हैं, सो इट्स यू नो सब जगह से ये जो यू नो दिस क्वेश्चन मार्क, यार ये दिल पहले दिखा और उसके बाद दिल पे एक स्क्रैच दिखा है, एंड देन यू नो इट्स सो व्हाट एज कश्मीर सेड दैट इट्स अ डिसरप्टिव शो, एंड अगर इसकी मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है वो भी डिसरप्टिव ही होनी होगी। बिल्कुल है। सो वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसको हम भेजेंगे सीआईडी के पास कि पता लगाओ कौन था, पर गारंटी है वो मैं और कश्मीर तो नहीं थे, रीम हो सकती है, हम क्या लग रहे हैं, हमारी शक्लों से ऐसे लग रहा है कि हम ही कर सकते हैं ये सब, और ये तो भेड़ियों के नाखून है ही नहीं, ये तो बिल्ली के नाखून लग रही है, अभी बिल्ली इसके पास है। ओके, हाय गाइस, सो मैंने ऑनेस्टली पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री में आई हैव बीन हियर सिंस 13 इयर्स नाउ, कभी होते हुए ऐसा देखा नहीं है, सो आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, एंड इन दोनों ने एक्चुअली सभी कह दिया है एंड बहुत सही कहा है, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इस वक्त कहने के लिए, बट आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू बी हियर।